न्यूज लाइव की ओर से मैंने हमिश्रा पूना की खास खबर पर एक नजर। बारामती पूना में जहां देश सीआरपीएफ जवान के साथ खड़ा है उनके दुख में शामिल है, वहीं बारामती तहसील थानेदार के अधिकारी और सहकर्मियों ने बरसाए सीआरपीएफ जवान पर दंडे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला यह है कि अशोक इंगवले पुलवामा में कार्यरत होकर छुट्टियों में अपने रहवासी गांव लौटा था। यहां सीआरपीएफ का जवान पुलवामा आतंकी हमले में शहादत मिले जवानों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अनुमति मांगने दुचक्का वाहन पर ट्रिपल सीट आया था। इस दौरान सीआरपीएफ जवान अशोक इंगवले को बारामती पुलिस थाने के अधिकारी और सहकर्मियों ने बेदम मारपीट की और जवान पर दारू पीकर ट्रिपल सीट गाड़ी चलाने का इल्जाम लगाया। और दूसरी ओर सीआरपीएफ जवान ने सभी इल्जामों को खारिज करते हुए मेडिकल जांच की मांग की, जिसके बावजूद भी जवान अशोक को पुलिस थाने में बिठा कर रखा गया। इस दरमियान संपूर्ण घटना की जानकारी लोगों को मिलते ही स्थानिक लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया, जिससे गहमागहमी का माहौल बन गया, जहां संपूर्ण देश जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ जवानों की शहादत में एकजुट है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की यह कायराना हरकत प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। भीड़ को आक्रोशित होते देख पुलिस थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाने की बात कही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कर चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।